हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप गाइस अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और गाइस, आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं शाही पनीर रेसिपी, एकदम जैन तरीके से, ना लहसुन ना प्याज। तो कितना टेस्टी बनता है इसका देखना आप। इसमें मैंने काजू ले लिया है और टमाटर और अदरक ले लिया है। और यहाँ पर मेरा ऑयल गर्म हो चुका है, तो मैंने इसमें डाल दिया है जीरा और हींग। और काजू और अदरक और टमाटर का मैं पेस्ट बना लूँगी। और ये देख सकते हैं आप, मेरा जो जीरा है वो अच्छे से तड़क रहा है यहाँ पर। और इसमें मैं ऐड कर दूँगी जो मैंने काजू और टमाटर अदरक का पेस्ट बनाया है। एकदम बहुत टेस्टी बनता है गाइस ये। तो ये मेरी मौसी की रिक्वायरमेंट थी कि शाही पनीर बनाओ, जब वो यहाँ आए थे मैंने उनको बना के खिलाया था, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा था इस तरीके से बिना लहसुन प्याज वाला। तो मैंने आज वो रेसिपी शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। ज़रूर बताना कैसा लगा आपको। और ये इतना टेस्टी बनता है, एकदम होटल का जैसा, आप बता नहीं सकते हो कि घर में बनाया या होटल में बनाया, बहुत ज़्यादा यम्मी होता है। और इसमें सबसे ध्यान देने वाली बात है कि जब हम काजू और टमाटर का जो ये पेस्ट हमने बनाया है, उसको जब हम ऑयल में ऐड करते हैं ना, तो उसको अच्छे से मिक्स करना है और हिलाते रहना है, ताकि उससे क्या होता है, हमारा काजू का जो पेस्ट है ना, वो नीचे चिपके ना। अगर आप छोड़ देते हो ना, तो वो चिपक जाता है इस तरीके से। और इसमें ऑयल थोड़ा कम ही ऐड करना, क्योंकि काजू भी अपना ऑयल छोड़ता है। ज़्यादा ऑयल मैंने ऐड नहीं किया, सिर्फ एक चम्मच, बड़े चम्मच से एक चम्मच ही ऐड किया था। तो इस तरीके से इसका पेस्ट मैं इस तरीके से बना लूँगी। और जो खड़ा मसाला होता है ना हमारा, गरम तेज़पत्ता, दालचीनी, स्टार मसाला, लौंग, जो भी आप डालते हो, तो उसको मैं पहले ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि पहले वो जल जाएगा। जैसे ही मसाला मेरा थोड़ा तैयार हुआ, उसके बाद मैंने गरम मसाला ऐड किया है जो साबुत वाला होता है, और उस वो भी अच्छे से भुन जाएगा इसमें। और ये देख सकते हैं आप कितना अच्छे से ये भुन गया, इसका ऑयल अलग हो गया है। तो जैसे ही ये होएगा ऑयल अलग, उसके बाद इसमें डाल देंगे लाल मिर्ची पाउडर एक चम्मच डाला है, और एक चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला है, और आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है। और टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी, जिस हिसाब से मैं बना रही हूँ इस हिसाब से आप लोग ज़रूर ऐसे ट्राई करना गाइस। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा यम्मी होता है ये। तो इसको भी, मसाले को भी अच्छे से भून लूँगी जब तक उसका ऑयल अलग ना हो। बहुत टाइम लगता है इसको भूनने में। जितना ज़्यादा आप मसाले को भूनोगे, उतना ज़्यादा टेस्टी होगी आपकी सब्जी। और उसके बाद जो मिक्सर में थोड़ा सा बच गया था, उसमें थोड़ा ही पानी, थोड़ा नाम मात्र मैंने पानी ऐड किया है, ताकि मसाला नीचे से जले ना, क्योंकि जलने कढ़ाई में लगने लग गया था इस तरीके से। तो थोड़ा सा पानी ऐड किया है, और उसके बाद फिर उसको अच्छे से और पकाऊँगी लगभग पाँच मिनट तक। और इस तरीके से मेरा बन चुका है, देख लीजिए। और ये है गरम मसाला बादशाह का, इसमें भी लहसुन प्याज नहीं है, तो ये वाला यूज़ कर रही हूँ मैं। आपके पास जो भी गरम मसाला अवेलेबल हो, वो मसाला डाल दीजिए आप। गरम मसाला थोड़ा ही ऐड करूँगी, आधा चम्मच बस हो गया, ज़्यादा नहीं करना है इसमें ऐड। और इस तरीके से आधा मैंने गिलास दूध ले लिया है, तो दूध ऐड कर दूँगी। आप अवॉइड भी कर सकते हैं, दूध आपको ऐड करना है तो कर लीजिए। और बहुत सारे लोग शाही पनीर में थोड़ा सा चीनी भी ऐड करते हैं, तो लेकिन मेरे अनुसार गाइस, काजू का थोड़ा जो पेस्ट होता है वो मीठा होता है, तो आप ना भी करो तो चलता है इसमें। मैं तो नहीं करती हूँ, क्योंकि वैसे ये थोड़ा सा मीठा इसमें आ जाता है इसका टेस्ट। तो ये देखिए, अच्छे से ये होने लग गया है। अब मैं इसको थोड़ा देर के लिए और पकाऊँगी हिलाते हुए, और उसके बाद इसमें ऐड कर दूँगी मैं पानी। पानी मुझे जितना चाहिए उस हिसाब से ऐड कर दूँगी। ये शाही पनीर की भाजी थोड़ी गाढ़ी अच्छी होती है, और पनीर, और देखिए इस तरीके से मैंने पानी ऐड किया, और पनीर डाल दूंगी इसमें। पनीर मैंने फ्राई नहीं किया है, आप चाहे तो फ्राई कर सकते हैं। फ्राई वाला पनीर थोड़ा सा कड़क हो जाता है, इसलिए ऐड नहीं किया। और दो चार टुकड़े पनीर को स्मैश कर लिया है, उससे और अच्छा टेस्ट आता है भाजी में। सबका बनाने का अलग अलग तरीका होता है, तो आप इस तरीके से बनाइए और खाइए। ये देखिए अच्छे से बन चुका है। अब पनीर डालने के बाद 10 मिनट इसको ढक्कन लगा के पकाऊँगी, और उसके बाद मेरा शाही पनीर एकदम बन के, ये देखिए खोल आने लग गया है इसमें, तो ये बन के तैयार हो गया है। और अब इसमें मैं थोड़ा सा कस्तूरी मेथी ऐड कर दूंगी, ज़्यादा नहीं करूंगी, बहुत कम मात्रा में, इससे और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है हमारे शाही पनीर में। तो इस तरीके से मैंने इसमें ऐड कर दिया है कस्तूरी मेथी, और ये देखिए कितना अच्छा शाही पनीर बन के एकदम रेडी हो गया है। इसको थोड़ा देर ढक्कन लगा के पकने दूँगी। ये देखिए गाइस, बन चुका है। अब मैं गैस बंद कर दूंगी और इसमें मलाई ऐड कर दूंगी लगभग 2 चम्मच के करीब ऊपर से। जब हम मलाई ऐड करेंगे ना, उसके बाद गैस एकदम बंद कर देना है, क्योंकि फिर मलाई एकदम घी छोड़ देती है। तो इसलिए मलाई ऐड करने के बाद गैस बंद कर देंगे और इस तरीके से मिक्स करेंगे। बन चुका है हमारा शाही पनीर। कैसा लगा ज़रूर बताना, अच्छा लगा हो ना
तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलना गाइस, और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा आपको, और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना सब लोग।